और बहुत जल्द चाहिए। ठीक है, घबराइए नहीं, तुझे रीना मिलेगी। और रीना, रीना को हमारे कमरे में 24 घंटे के अंदर में हाजिर किया जाए। क्यों नहीं? जय राणा। किसी जी सर, नागराज को रीना चाहिए। नागराज को रीना चाहिए। हाँ, हो सके कोई तरह से उसे लाकर उसे कमरे में छोड़ दो। रीना भी मिलेगी और मीना भी मिलेगी। क्यों नहीं? घबराना नहीं सर, हम यू गया और यू रीना को अभी वापस लेकर आ। घबराने की कोई बात नहीं है, तो घबराने की क्या बात है? आप चलिए, हम रीना के घर जाते हैं। ठीक है रीना, आज जैसे तेरे घर आएगा जरूर तुझे मंत्री साहब की हवेली तक आना है। कैसे भी आएगी तू, कैसे भी आएगी, टिया जी यहां लेकर आएगा। इस थाने की देखभाल करना जी सर। मैं रीना के लिए घर पे घर जा रहा हूँ जी सर। क्या रे, ये सर चर्च का ठेका लगा रखा क्या? जी सर। क्या कहा जी सर? हर बात में जी जी के ठेका ले। अगर अगर बोल कर रहो ना तो बोलबे ना तो क्या कर, खड़े रही ऐसे। हर बात में जी जी का ठेका ले रखा है। मैं जितने सवाल करता हूँ उतना ही उत्तर देना। अब तुम घर आओ, हम बोलबे ना कर कहे जी सर कर। चौकीदार, तुम्हें थाने की देखभाल करना है, हम रीना के घर जा रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए। क्या हुआ रे? नहीं आवाज है। तुम्हें मना क्यों? तुम्हें कहा था, कहा बात है? अरे तुम्हार आए तो बोल सकता है कि हाँ जाइए सर, मैं स्थाने की देखभाल करेंगे। जी सर। बदतमीजी नहीं करना। बदतमीजी अगर दोबारा आएंगे ना, अगर थाने में कोई गड़बड़ हुई तो तुम समझ लेना साहेब। ये बताओ का तुम बदतमीज का नहीं डरा हो? बदतमीज को तुमने देखा है? जहेब से पूछी तुम डरात नहीं हो। हम क्यों डरेंगे? हम तो भाई डराए थे। क्यों? हम बदतमीज का बहुत डराए थे। इसलिए कुशाला हरामी होता है। हरामी होता है, इसलिए उसके मुंह नहीं लगना तुम। यही तो उसे हम बात नहीं करे थे। आज दूर से बात करना। साहब तुम डरात नहीं हो? मैं डरता नहीं हूँ। ये जमाले काम चला था तुम्हारा? काम तो बराबर चलता रहता है। हाँ, हम जाने है। अब इस थाने में तुम रहो, हम रीना के घर जाते हैं। जाओ।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आखिर कैसी तकलीफ क्या रीना जी? कोई कर दे मैं थोड़ी चली आती। अरे रीना जी बोली, तुम्हें मंत्री साहब की हवेली तक चलना है। क्यों? अरे छोटा सा काम पड़ गया, इसलिए मैं तुझे बुलाने आ गया। ओ बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं चल रही हूँ साथ में, आइए चलिए। तो नहीं लेकर आ जाए काम पड़ गया तुझे बुलाने के लिए, इसलिए कि हमारे नागराज को तुम पसंद हो। क्या? इसीलिए बुलाया हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ज्यादा नखरा दिखाने से तेरा काम नहीं चलेगा। क्या करोगे? तो कमल जैसे लागनी नचा के तू Thank you.
बहुत फड़फड़ा रही है। अरे भैया इसे आप कमरे में लेके जा रहे हैं। नागराज मैं कहने के चाहिए जो तुम्हारे जी में आए उसको साफ न करो तेरी लड़की बहुत अच्छी बात है। बाबूजी अब ये नागराज जाएगा इसकी जालिम जवानी से खेलेगा। क्यों नहीं बहुत मजा आएगा हमें। क्यों नहीं मजा आएगा थोड़ा सा मजा हमें आ जाता है। मुझे डीआईजी से आईजी बनना है। क्यों नहीं आईजी बनने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है बाबूजी। नागराज के आने का इंतजार हम लोग करते हैं। क्यों नहीं स्नान कर बिल्कुल सही अभी मैं आता हूँ। जाओ जाओ चाहिए तो रोना तुझे मिल गई। हाँ वो जमीन मिल गई अब जो चाहे वो कर सकते। वाह 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 लेकिन अभी बहुत कठिन थी ससुरी। बहुत गर्म थी साली बहुत ही गर्म थी। लेकिन राना मेरा दिल चाहता है कि एक बार उससे और हम यानी नागराज दोबारा जाना चाहते हो। हर तरह कहेंगे इधर आप कहाँ जाना चाहता है। कौन तो कौन होता पूछने वाला। जा जा तेरी मर्जी है तू भी जा। तू भी जाना चाहता है पारे गजरे क्या वर्षों से पुराना हमारा नौकर है और इसको कहना मानना होगा। चौकीदार को भी निपट आने दो उसके बाद इसको हम सोचेंगे क्या करना है। ठीक है अंदर चलो।